पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पुरानी सीट यानी कि चमकौर साहिब के साथ एक सीट भदौर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने चन्नी को एक खास मिशन के साथ भेजा है। क्या है कांग्रेस का ये मिशन और भदौर सीट पर चन्नी के सामने कैसी चुनौती है, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता जैनेन्द्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बरनाला जिले की भदौर विधानसभा एक आरक्षित सीट है जहां से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चन्नी को उतारा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही थी। अब तक कांग्रेस ये सीट केवल दो बार जीत पाई है, लेकिन अपने नामांकन के दिन उमड़ी भीड़ से चन्नी इतने खुश नजर आए कि यहां तक कह डाला कि चमकौर साहिब के साथ भदौर सीट भी जीते तो भदौर को रखेंगे। आप देख रहे हो कितना रिस्पांस है, चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं। अगर दोनों सीटों से जीते तो क्या आप इसी को रखेंगे? चमकौर साहिब के साथ साथ मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जिस भदौर सीट से लड़ रहे हैं वह पंजाब के उस इलाके में आता है जहां आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत मानी जाती है। आम आदमी पार्टी के इस किले में सेंध लगाने के लिए और खास तौर पर मालवा इलाके के दलित वोटरों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस ने चन्नी को भदौर सीट से उतारा है। लेकिन यहां चन्नी के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। हालांकि पिछले साल यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब वह भी चन्नी के साथ नजर आ रहे हैं। चन्नी के मुताबिक वो मालवा इलाके का विकास करने आए हैं। खुद को सुदामा बता इलाके के लोगों से कह रहे हैं कि कृष्ण की तरह अपना लो। मेरी बेनती ये है कि मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। भावे कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इथे डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिया नु पूरे नु उपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे आले कृष्ण बन के सामण गए ते असी बड़ी भारी जीत पूरे मालवे च लवांगे। भदौर सीट पर चन्नी का मुकाबला आम आदमी पार्टी और अकाली दल से है। दोनों ही पार्टियां भदौर में चन्नी को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। इसकी वजह भी है, ये सीट 2012 तक अकाली दल का गढ़ थी। 2012 में कांग्रेस तो 2017 में आम आदमी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। गरीब परिवार में जन्मे और कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने वाले आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार भाग सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से चर्चा बढ़ गई है, मुकाबला नहीं बढ़ा। अकाली दल के उम्मीदवार चन्नी को बाहरी बता रहे हैं। 18 दिन पहले जो बंदा आया उसे क्या पता कि हल्का भदौड़ में क्या दिक्कत है। चरणजीत सिंह चन्नी के आने की वजह से सिर्फ मीडिया की अट्रैक्शन बढ़ी है और कुछ नहीं। क्या मुख्यमंत्री को राह नहीं मिलेगा यहाँ से भागने के लिए? जो मुख्यमंत्री पंजाब है उसको हल्के भदौड़ की ज्योग्राफिकली सिस्टम ही नहीं पता क्या है। आप उससे एक गांव का नाम पूछ लो, उसको एक गांव का नाम नहीं पता, क्योंकि ये हल्के के लोग हैं जो इनसे प्यार करता है, ये उनसे प्यार करते हैं, ये इस बात को पसंद नहीं करते चन्नी आ गया कौन आ गया। कम से कम 15,000 से ज्यादा वोटों से हम सीएम पंजाब को हराएंगे। इलाके में पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी नजर आता है, लेकिन मुख्यमंत्री के उतरने के बाद नए सिरे से समीकरण बनना तय है। की आम आदमी दे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से मुकाबला चल रहा है। माहौल अच्छा है सभी का, लेकिन 50-50 मतलब सभी कैंडिडेट को वोट्स है, लेकिन जो ये बिजी चैन का ना मतलब चन्नी साहब का इनसे मतलब फर्क पड़ेगा 10% वोटिंग को। कांग्रेस आएगी? हम तो अकाली दल को वोट कर रहे हैं जी। दलित बहुल भदौर सीट पर एक तरफ मुकाबले में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चन्नी हैं, तो दूसरी तरफ बदलाव के लिए एक मौका मांग रही आम आदमी पार्टी। बरनाला जिले में आने वाली भदौर सीट संगरूर लोकसभा क्षेत्र में आती है जहां से सांसद भगवंत मान हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। जाहिर है यहां परीक्षा चन्नी की होनी है, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य केवल भदौर नहीं बल्कि पूरा मालवा इलाका है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, बरनाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।